नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी के 2 महीने बाद ही एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबर को देकर फैंस को चौंका दिया है। हालांकि अगर आपसे कोई कहे कि इस बात की जानकारी एक महिला ने 2 महीने पहले ही दे दी थी तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अप्रैल महीने में आलिया की प्रेगनेंसी के बारे में एक महिला ने रेडिट पर लिखा था। तब उसकी बातों को फेक बताकर रेडिट ग्रुप से उसे बैन कर दिया गया था। महिला को तब बॉली ब्लाइंड गॉसिप सब रेडिट ने बैन किया था। हालांकि अब वो वापस आ गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स चाहते हैं कि उस महिला को सम्मानित किया जाए। बता दें कि बॉली ब्लाइंड्स गॉसिप ने अप्रैल में एक पोस्ट किया था। इस पर न्यूबी फॉर फन नाम के एक रेडिट यूजर ने कहा था कि मिस भट्ट साफ तौर पर प्रेग्नेंट है। इस खबर का सोर्स एक असिस्टेंट है जो कि उनका फ्रेंड और मेकअप आर्टिस्ट है। यूजर के इस दावे को लोगों ने तब गॉसिप करार दिया था। फैंस ने महिला यूजर की बात पर तब विश्वास नहीं किया और लोग एक्ट्रेस आलिया भट्ट को डिफेंड करने लगे थे। एक यूजर ने लिखा था, तो आलिया ने एक मेकअप आर्टिस्ट को ये बताया है कि वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने ये फैसला किया कि इतनी पर्सनल जानकारी वो तुम्हें देंगे। जवाब में न्यूबी फॉर फन ने कहा था कि आर्टिस्ट ने कुछ सुन लिया था और उसके बाद उसने इस बारे में दूसरों को बताया। ये गॉसिप सब्जेक्ट है, मैंने ये बात यहाँ बता दी है, एंजॉय करिए, अनुमान लगाते रहो और मेरी तरफ से गुड बाय। इस जानकारी को बॉली ब्लाइंड्स गॉसिप के मॉडरेटर्स ने फेक करार दे दिया था और उन्हें बैन कर दिया गया था। उनका पोस्ट भी डिलीट कर दिया गया था। हालांकि जब एक्ट्रेस ने खुद प्रेगनेंसी का ऐलान किया तो उस महिला पर से बैन हटा दिया गया, जिसके बाद ये लोग महिला के सपोर्ट में आ गए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि महिला को अवार्ड मिलना चाहिए, तो वहीं बैन हटने के बाद महिला यूजर ने खुद ये लिखा है कि हेलो दोस्तों, मुझ पर से बैन हटा लिया गया है, मुझे क्रेडिट देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तब ये काल्पनिक लग रहा था, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा था। बता दें कि 14 अप्रैल को आलिया और रणबीर की शादी हुई थी। 27 जून को आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें आलिया भट्ट हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। वहीं उनके पति रणबीर कपूर उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे थे। फोटो पोस्ट करते हुए आलिया ने लिखा था कि हमारा बच्चा जल्द आ रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।